हेलो दोस्तों, वे टू फिट लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुबह में चलने के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जैसे कि रोज हमें कितने कदम चलना चाहिए और उसके फायदे क्या हैं। इसकी पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो पूरा देखें। शुरू करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। कई लोगों को सुबह चलने की आदत होती है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है। कई लोग वजन कम करने के लिए भी सुबह चलने जाते हैं। वर्तमान समय में भी पैदल चलना एक व्यक्ति के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि हम बढ़ती परिवहन सुविधाओं और तेज जीवन शैली के कारण चल नहीं पाते हैं। परिणाम स्वरूप हम कई बीमारियों का स्वागत करते हैं। यदि कोई व्यक्ति थोड़ा नियमित रूप से चलता है तो वो कई शारीरिक समस्याओं से बच सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपको एक दिन में कितना चलना चाहिए? तो ये पता करें कि 5 और 60 साल की उम्र के बीच के व्यक्ति को कितना चलना चाहिए। आइए पहले चलने के लाभ देखते हैं। नंबर 1, ऑक्सीजन प्राप्त करना। सुबह की सैर का एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि सुबह में हवा साफ होती है, इसीलिए आपको भरपूर ऑक्सीजन प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप अंधेरे में चलने जाते हैं तो आपको उस समय ऑक्सीजन का लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि उस समय पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। इसीलिए सुबह चलना ऑक्सीजन प्रदान करता है और दिल की समस्याएं भी नहीं होती। रोज सुबह खुली हवा में चलने से दिल से जुड़ी समस्याएं नहीं होती हैं। यदि आप दिल की समस्या से जूझ रहे हैं तो हर दिन लगभग आधे घंटे चलें। ऐसा करने से शरीर में दिल से संबंधित बीमारियां नहीं होती हैं। नंबर 2, वजन घटना। मॉर्निंग वॉक उन लोगों के लिए एक रामबाण उपाय है जो अपने बढ़ते शरीर के वजन से परेशान है। सुबह दौड़ने से शरीर में कैलोरी की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और वजन कम करने में भी मदद मिलती है। सिर्फ वॉकिंग न करें बल्कि स्लो रनिंग भी करें। रनिंग में कैलोरी ज्यादा बर्न होती है। आपको रोज एक टारगेट फिक्स करना चाहिए कि आज मैं इतना रनिंग या वॉकिंग करूंगा। पहले वीक में 3 किलोमीटर चलें या दौड़ें। हर हफ्ते टारगेट बढ़ाते जाएं। वजन कम करने में आप हर दिन क्या खाते हैं ये भी मायने रखता है, इसीलिए रोज सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट खाएं और हेल्दी खाना खाएं। हमने ये भी वीडियो बनाया है कि सुबह के नाश्ते में क्या खाया जाए, जैसे कि ओट्स, सीरियल्स और अंकुरित बीन्स। हमने इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाया है जो आपको वजन घटाने में मदद करता है। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आइए अब देखते हैं कि उम्र के हिसाब से कितना चलना है। उम्र के अनुसार चलें। 5 से 7 साल के बच्चों को हर दिन कम से कम 8,000 से 10,000 कदम चलना चाहिए। यहाँ तक कि 18 से 40 वर्ष के बीच के लोगों को हर दिन 12,000 से 14,000 कदम चलना चाहिए। 40 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को हर दिन 10,000 से 11,000 कदम चलना चाहिए। 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को हर दिन 10,000 कदम चलना चाहिए और 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 8,000 कदम तक चलना चाहिए। आप कितने कदम चले हो वो आप कोई भी पेडोमीटर एप्लीकेशन से ट्रैक कर सकते हो। बढ़ती उम्र के साथ हमें अवश्य ही चलना चाहिए। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो चलना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। चलने से आपकी कैलोरी बर्न होगी और ब्लड शुगर भी नियंत्रित रहेगा। सुबह चलने से आपका मन प्रफुल्लित रहेगा और आप पूरा दिन एनर्जेटिक फील करेंगे। आपको रनिंग या वॉकिंग करने के लिए गार्डन में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर फ्रेश एयर होती है। इस तरह से आज हमने सुबह में चलने के फायदे के बारे में चर्चा की और जाना कि हमें रोज कितने कदम चलना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके जीवन में कुछ उपयोगी साबित होगा। यदि आप किसी भी हेल्दी भोजन या फिटनेस के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर हमें कोई सुझाव या फिर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आपको जवाब देंगे और आपके सुझाव पे वीडियो भी बनाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।